चौकीदार को मना करने पर भी बार बार डिस्टर्ब करता है। क्या है? हाय अनीता। अरे अरुण, तुम इतनी रात को अंदर आओ। ये सब क्या है? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो मुझे है बेबी। बाबूलाल, तुम क्यों? बहुत हैरत हो रही है कि जिस बाबूलाल को गुंडे का टाइटल देकर तुमने पुलिस के हाथों पकड़वाया था, वो इतने जल्दी छूट कैसे गया? तो सुनो, मैं पुलिस लॉकअप से भाग कर आया हूं। मैं आज तक वो थप्पड़ भूल नहीं सका जो तुमने सड़क पर सबके सामने मुझे मारा था। अरुण, क्या तुम भी इस कमीने का साथ दे रहे हो? तुम तो मेरे दोस्त हो। तुम्हारा दोस्त वो भाड़े का टट्टू है जिसको मैंने खरीद लिया है। तुम चाहते क्या हो? लोग दुनिया में पहले शादी करते हैं और बाद में हनीमून मनाते हैं। मैं तुम्हारे साथ पहले हनीमून मनाऊंगा और बाद में शादी करूंगा। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। कैसे पूरा नहीं होगा बेबी? अमर सिंह, वो चौकीदार एक घंटे तक होश में नहीं आने वाला, समझी? बाबूलाल जब किसी का पासपोर्ट बनाने के लिए निकलता है तब उसकी हर लाइन काट देता है। नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, नहीं, छोड़ दे, नहीं, नहीं, छोड़ दे मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे, नहीं, नहीं, छोड़ दे। खबरदार जो आगे बढ़े। मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी मगर अपनी इज्जत पे आज नहीं आने दूंगी। बेबी, तू आज के बाद किसी को वरमाला नहीं पहनाएगी। तू कमीनी, कुत्ते, तेरी ये चाल कभी पूरी नहीं होगी। अरे ये क्या हो गया? अगर ये मर गई तो कानून के रखवाले तुम्हारी बोझ सुनते सुनते तुम तक पहुंच जाएंगे। चलो भाग चलते हैं। चलो 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 चलो। कौन है? जैसे चोर हो सकता है। खून के इल्जाम में मैं नहीं, जो आ रहा है ना वो फंसेगा। चल चल, जल्दी छुपते हैं। ठहर ठहर, मैं जब बोलूंगा इस कैमरे से बराबर फोटो लेना। हाँ, चल चल चल।
चल 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 घर में कोई नहीं, चोरी के लिए मैदान साफ है। तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? तुम्हारी सांसें रोकने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि वो कैमरा मुझे दे दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाबूलाल अपने किसी राजदार को जिंदा नहीं छोड़ता। क्यों, इसे ढूंढ रहे थे ना तुम? इससे तो बहुत पहले तुम्हारी जेब से निकाल चुका हूं बाबूलाल, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे खून में वफादारी नाम की कोई चीज नहीं है। अंडरस्टैंड? गेट आउट, जस्ट गेट आउट। अरुण, ताश के खेल में एक अच्छा पत्ता हाथ में आ जाने का यह मतलब नहीं कि बाजी तुम जीत जाओगे। बन गया साले का पासपोर्ट। पुलिस रुक जाओ। तेरा हम शक्ल है, इसने तो तेरा काम बहुत आसान कर दिया। इस मौके पर अगर तू डॉक्टर डिक्रूज बन जाए तो तुझे पुलिस भी नहीं पहचान सकेगी। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? मैं तुम्हें यह बताने आया हूं बाबूलाल कि पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही है। मैं बाबूलाल नहीं हूं, मेरा नाम डॉक्टर डिक्रूज है। मैं डॉक्टर डिक्रूज हूं, आज के बाद तुम बाबूलाल हो।
कहाँ गया वो? यस, डॉक्टर साहब यहां कोई आदमी तो नहीं आया? नहीं। चलो बाबूलाल, तुझे पुलिस भी नहीं पहचान सकी, इसलिए अब तुझे डॉक्टर डिक्रूजी बनकर रहना होगा। और डॉक्टर के लिए डॉक्टरी सीखना बहुत जरूरी है। सॉरी अरुण, हमें तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारा एक हाथ काटना पड़ा। अगर ऐसा ना करते तो तुम्हारे सारे बदन में जहर फैल जाता, तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाता। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। बाबूलाल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कितना बदनसीब बाप हूं मैं, इस घर से तेरी डोली भेजने के बजाय तेरी अर्थी को कंधा दिया मैंने, और इन हाथों से तेरी चिता को आग लगाई मैंने। डैडी, लगता है जख्म पे जख्म खाना ही हमारे नसीब में लिखा है। पहले मां, फिर दीदी। दीदी ने स्टोर का क्या बिगाड़ा था जो पहले उसने उसकी इज्जत लूट ली, बाद में मार डाला। सब्र कर बेटी, सब्र कर। नहीं डैडी, हमारे आंसुओं की बदवा उसे कभी चैन से नहीं रहने देगी। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। जो फर्स्ट हो गए शंकर, एक ही तरीका है बचने का, तुम पुलिस को अपने पीछे लगा लो, फिर पुलिस को चकमा देकर अड्डे पहुंचाओ। ठीक है? ठीक है, माल तुम ले जाओ, मैं खाली बैग ले जाऊंगा। अगर पकड़ा भी गया तो पुलिस को खाली बैग मिलेगा, माल तो बचेगा। ओके, गुड लक। गुड लक, सी यू।
मुजरिम शंकर, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है कि तुमने 15 लाख की चोरी की है, इसलिए अदालत तुम्हें 3 साल कैदे बामशक्कत की सजा का हुक्म देती है। गेंडा आते के साथी सबसे पहले तुमसे 2 सवाल करेगा बाप। पहला सवाल ये कि आज से 3 साल पहले तुमने जो डाका डालेला था उसमें तुम्हारे साथी कौन कौन थे, और दूसरा सवाल ये कि वो डाके का माल तुमने किधर छिपा के रखेला है। टपोरी ढक्कन के क्या हाल है तेरा? ओए टपोरी, जो 3 साल पहले तूने डाका डाला था उसमें तेरा दूसरा टपोरी साथी कौन था? तेरा बाप। बाप तो अब उनका बिड़ू गैला ऊपर हवा खाने को गया, लेकिन टपोरे वो डाके का माल तूने किसके पास छुपा के रखे लाए? तेरी माँ के पास। अरे साला डरे, बात है बिड़ो। अरे अपन तेरे को घड़ी घड़ी इसलिए तंग करता है बिड़ो के जो तेरा टपोरी साथीदार है क्या वो 3 साल में इधर को आया है क्या? नहीं आया ना, अपुन को मालूम था वो लोग नहीं आएगा। देख बिड़ू, तू एक काम कर, अपुन को तो सुपारी दे डाल, अपुन जाके उसका काम खलास करके माल बांट लेगा अपुन लोग। क्या तो बता, वो माल कहाँ है? अब अगर दोबारा तूने मुझसे ये सवाल पूछा ना तो तेरी अतड़ियां निकाल कर तेरे गले में डाल दूंगा, समझे? जग्गू की अतड़ी निकालने वाला आज तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, लगता है सीधी उंगली घी नहीं निकलेगा। साहब, ये जेल है खान स्टेडियम। शंकर, तुम 1 महीने बाद जेल से रिहा होने वाले हो। अगर तुमने दंगा फसाद शुरू किया तो तुम्हारी सजा और बढ़ा दी जाएगी, समझे? जेलर साहब, शंकर मैं भिड़ू है साहब। वो क्या ना साहब, के बचपन में दारा सिंह का पिक्चर देखने का बहुत आदत पड़ गया था ना साहब। हाँ। तो अपन को साहब क्या ना, वो बॉडी बनाने का शौक हो गया साहब। हाँ हाँ जेलर साहब, जग्गू और हम लोग बचपन के दोस्त है। हाँ साहब, ये गुल्लियर में डंडा खेलते थे। 3 साल पहले जो तूने डाका डाला था उसमें तेरा दूसरा टपोरी कौन है, और तूने माल कहां छुपा रखा है? बता जल्दी।
कुत्ते की धूम कभी सीधी नहीं होती तेरी तो। अरे जेलर साहब तुम यहां से मत जाना बाप, नहीं तो ये दोनों भिड़ू लोग फिर से यहां क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे। सुनो तुम इन दोनों सालों को उठाकर बंद कर दो। तेरी तो तुम मेरे साथ आओ। अरे क्या जेलर साहब, मैंने किधर राड़ा खेला बाप, राड़ा तो इन दोनों ने खेला, मेरे को क्यों अंदर कर रहे हो? नहीं आज से तुम्हारी सजा पूरी हो गई है। सजा पूरी हो गई? अरे हाँ। वाह गुड मेंडी लालटेन। और तुम लोग चलो अपना काम शुरू कर दो। आओ इंस्पेक्टर संग्राम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो इंस्पेक्टर संग्राम। मुझे तुम्हारी जेल की रिपोर्ट मिल चुकी है, शंकर बेवकूफ नहीं है। लेकिन सर वो हमसे ज्यादा अकलमंद भी नहीं है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं सर। अब उसे हम जेल से छूटने के बाद उसी के जाल में फंसाएंगे। गुड आइडिया, हम भी यही सोच रहे थे। मिस्टर भतेजा तुम्हारी बेटी तो मर गई, जिंदा रहती तो मेरे नाम का सिंदूर उसकी मांग में होता और तुम्हारी दौलत मेरी तिजोरी में। सॉरी डॉक्टर डिक्रूज, मैंने आपका पासपोर्ट तो बड़ी आसानी से बना दिया था, लेकिन मुझे डॉक्टर बनने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। और तुम्हारी तरह भतीजा का फैमिली डॉक्टर बनकर 3 साल से उसकी सेवा कर रहा हूं। अब मेवा खाने का समय आ गया है, मुझे अपनी शैतानी खोपड़ी का ढक्कन फिर से खोलना पड़ेगा। चलिए चलिए डॉक्टर साहब, आइए आइए डॉक्टर साहब आइए। बैग दो। ये दवाइयां हर 3 घंटे के बाद देते रहना जी। हाँ थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू कहकर आप मुझे खुश मत करिए मिस्टर भतीजा, आप मेरे पेशेंट हैं और आपको मेरी बात माननी चाहिए। आज से विस्की बन, टेंशन बन, सोचना बन और दवा वक्त पे लेना, समझे? ये तो सोचिए अगर आपको कुछ हो गया तो नीता का क्या होगा? अच्छा मैं चलता हूं। डॉक्टर साहब हाँ, अब तो डैडी को कोई खतरा नहीं? जब तक विस्की नहीं छोड़ते तब तक खतरा ही खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज छोटा अटैक आया, कल बड़ा भी अटैक आ सकता है। डॉक्टर साहब दवाओं का कोई असर नहीं होता? मैं जो दवाइयां देता हूं नीता, उसका असर विस्की कम कर देती है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, भरी जवानी में बीवी मर गई, बाकी सारी उम्र कारोबार में कट गई। ऐसा आदमी जब रात को कमरे में आता है तो तन्हाइयां उसे घेर लेती हैं। भावुक आदमी कभी किसी को नहीं भूलता। आप कैसे भी करके डैडी को बचा लीजिए, आप जितना पैसा बोलेंगे मैं खर्च करने को तैयार हूं। पैसों से जान खरीदी नहीं जा सकती नीता। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? है एक उपाय है, अगर कोई औरत तुम्हारे डैडी के जख्म पर मलहम लगाए, तुम्हारी मां की याद उनके दिल से निकाले तो वो ठीक हो सकते हैं।
लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे डैडी कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि जो बाप अपनी औलाद से प्यार करता है वो बाप अपनी औलाद पर सौतेली मां लादना कभी नहीं चाहेगा। अगर शादी ही मेरे डैडी का इलाज है तो सौतेली मां मुझे मंजूर है। डैडी को शादी के लिए मैं मनाऊंगी। शादी कर लूं मैं? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं डैडी, डॉक्टर ने आपकी बीमारी का यही इलाज बताया है। अरे मुझे कोई बीमारी नहीं है, और फिर शादी करने की उम्र तुम्हारी है मेरी नहीं। इस उम्र में मैं शादी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे है? मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं तो बस आपको खुश और सेहतमंद देखना चाहती हूँ। प्लीज डैडी इनकार मत कीजिएगा। नीता मैंने तुम्हारी मां को मरते वक्त एक वचन दिया था। कैसा वचन? आज से 15 साल पहले की बात है। मैं चाह रही हूँ लेकिन आप इन दोनों के सिर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप इनसे इनका हक कभी नहीं छीनेंगे। आप दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे, वादा कीजिए। और इसीलिए वो वचन मैं आज तक निभा रहा हूँ। डैडी जो कसम आपने हमारे लिए खाई थी उसे मैं आपको आजाद करती हूँ। अब आप मेरी खातिर एक कसम खाइए कि आप इस शादी से इनकार नहीं करेंगे। डैडी मुझे सिर्फ आपकी जिंदगी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज डैडी। हेलो डॉक्टर डिक्रूज हियर। डॉक्टर साहब डैडी शादी के लिए मान गए हैं। वाह गुड गुड गुड। अब मैं तुम्हारे डैडी के लिए एक ऐसी औरत ढूंढूंगा जो कि न सिर्फ एक अच्छी पत्नी बल्कि एक अच्छी मां भी साबित हो। कहिए डॉक्टर साहब आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? बहुत दिनों के बाद आए हैं, जरूर कोई लंबा चक्कर होगा। शीबा शीबा डार्लिंग। मैंने सोचा कि ये तुम्हारे सोने जैसे बालों की तरह तुम्हारा ये बदन भी सोने से पीला कर दूं। क्यों, किसी ज्वेलर्स की दुकान लूटने का इरादा है क्या? लूटने का? अरे लूट के जेवर तो डाकू औरतें पहनती है, खरीदती नहीं। घरेलू औरतें जेवर खरीद कर पहनती है। मैं समझी नहीं। डार्लिंग मैं तुम्हारी शादी का प्लान बनाकर आया हूं। क्या तुम उसे शादी करोगे? अरे जो सिर्फ बर्बादी करता है उससे शादी की उम्मीद रखती हो? तुम्हारी शादी होगी करोड़पति सेठ भतीजा के साथ, जिसके जीने के दिन बहुत कम है लेकिन दौलत बहुत ज्यादा है। डार्लिंग तुम दौलत की खातिर मेरी जवानी दांव पे लगा दोगे? अरे दौलत की बाजी जीतने के लिए जवानी का पत्ता सबसे बड़ा पत्ता होता है, और मैं वही लगाऊंगा। तो फिर मेरे दर्द का क्या होगा? ओह उसकी दवा है मेरे पास। रात को सोने से पहले एक खुराक दे दिया करूंगा। ओह डार्लिंग आई लव यू डार्लिंग। मैंने कहा क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि जो समय में मुझे अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए थी उस समय में खुद मैंने अपनी शादी कर ली। ये मैंने अच्छा नहीं किया। इसमें सोचने की क्या बात है, अब मैं आ गई हूं कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करके उसे धूमधाम से विदा कर देंगे। विदा करेंगे? ये तुम कैसी बातें कर रही हो?
ये सारा बंगला, ये दौलत, ये सब उसी के लिए तो है, और तुम विदा करने की बात कर रही हो। इसमें नई बात क्या है, बेटियां तो राजा महाराजाओं की भी विदा करनी पड़ती है, वो तो होती पराया धन है। वादा करिए आप मेरी बेटियों का हक उनसे कभी नहीं छीनेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर वासुदेव। गुड मॉर्निंग। मैंने अपनी वसीयत बनवानी है। अरे सेठ जी, ऐसी भी क्या जल्दी है? अरे भाई, आप तो जानते हैं कि मैं दिल का मरीज हूं, कौन जाने किस वक्त क्या हो जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद की हकदार मेरी बेटी नीता बने और मेरी पत्नी सीमा को 10,000 रुपए महीना मिले, और ये बात सिर्फ मेरे और आपके बीच रहनी चाहिए। आप वसीयत तैयार कीजिए, मैं कल आके दस्तखत कर दूंगा। ओके, इट्स ऑल राइट, जैसी आपकी मर्जी। निर्मला, एक बेटी तो मैंने खो दी, लेकिन नीता को उसका पूरा हक मिल जाएगा। अब तो खुश हो ना? ये साला सेठ भतीजा बहुत डबल निकला, लेकिन अगर वो भतीजा है तो मैं उसका चाचा हूं, समझी? जब कल सुबह वो घूमने के लिए निकलेगा ना, तभी मैं उसका वहां पासपोर्ट निकाल दूंगा। लेकिन डॉक्टर, सेठ जी की मौत के बाद सबसे पहले पुलिस मुझ पर शक करेगी। शिवा, तुम बहुत 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 भोली हो, बिल्कुल दूध पीती बच्ची। इतने साल डॉक्टर डिक्रूज के साथ रही और उसकी ताकत को नहीं पहचान सकी? मेरे खोपड़ी से निकला हुआ आइडिया बिल्कुल फुल प्रूफ होता है, समझी? मैं सेठ भतीजा का खून जरूर करूंगा। अरे डॉक्टर क्रूज, आप सब सुबह क्या कर रहे हैं? तुम्हारा पासपोर्ट बनाने के लिए। क्या मतलब? मिस्टर भतीजा, तुम्हारी जिंदगी की ट्यूबलाइट कुछ दिन और जलती। अगर तुमने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी नीता के नाम करने का फैसला न किया होता, तुम समझते होंगे कि मेरे और मेरे आदमियों का निशाना बहुत कमजोर है, जो कि तुम्हें गोली भी नहीं लगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है मिस्टर भतीजा, हम चाहे तो तुम्हें गोलियों से छलनी कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्योंकि तुम्हारा वो दिल जिसको मैंने दवा देकर कमजोर कर दिया है, धड़कना बंद कर दे, ताकि पुलिस यही समझेगी कि तुम्हारी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। सबर करो नीता, सबर करो, जो होना था सो हो गया। रोने से जाने वाला वापस तो नहीं आता ना? अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम्हारी मां की तरफ कौन देखेगा, उसका हौसला कौन बढ़ाएगा? बेचारी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, रो रो कर बेहाल हो गई है। सबर करो, सबर करो। चलो माँ, कुछ खा लो। नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है। हे भगवान, तूने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? मिसेस भतीजा, मरने वाले के साथ कोई मर तो नहीं जाता ना, जीना तो पड़ता ही है, और जीने के लिए खाना बहुत जरूरी है। कुछ खाइए ना। नहीं, नहीं। नीता बेटी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था, बट दिस इज माई ड्यूटी। मरने से पहले मिस्टर भतीजा ने एक वसीयत की थी, जो मैं उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी को बताना बहुत जरूरी समझता हूं, सो मैं पढ़ के सुनाता हूं।
मैं नवीन कुमार भतीजा बहोश और हवास ये वसीयत कर रहा हूं, मेरे मरने के बाद मेरी सारी दौलत और सारी जायदाद की वारिस मेरी बेटी नीता होगी, और ये जायदाद नीता को तब मिलेगी जब वो शादी करेगी, और मेरी धर्म पत्नी सीमा देवी भतीजा को बतौर खर्च 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। बकलम खुद नवीन कुमार भतीजा, बेटी नीता, ये अमानत जरा अच्छी तरह संभाल के रखना। आई एम वेरी सॉरी। हम करोड़पति बनना चाहते थे, मगर उस बुड्ढे की वजह से 1,000 पति बनकर रह गए। शिवा डार्लिंग, हम जानते हैं कि पहले इनिंग में हम क्लीन बोल्ड हो गए, लेकिन दूसरी इनिंग में हम जरूर सेंचुरी बनाएंगे। वो कैसे? हम नीता की शादी ऐसे बदमाश के साथ करेंगे जो कठपुतली की तरह हमारे इशारे पर नाचेगा। मगर ऐसा लड़का जो नीता को पसंद आए वो मिलेगा कहाँ? बॉस, बड़ी मुश्किल से रिश्वत देकर जेलर के फाइल से इस छोकरे की फोटो लाए लाऊं। बॉस, लगता है आप इस छोकरे को जानते हैं। बेकार सवाल मत करो, सिर्फ ये बताओ कि इस आदमी को मुझसे कब मिलवा रहे हो। ये बहुत जल्दी जेल से छूटने वाला है बॉस। इस फोटोग्राफ को गौर से देखो, नाम है शंकर, कद 6'2", वजन 180 पाउंड, रंग गोरा, और इस आदमी की खास बात यह है कि यह बाएं कान में बाली पहनता है। जेल से छूटने के बाद यह आदमी अपने पार्टनर से जरूर मिलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे चोरी के माल का अपना आधा हिस्सा चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या करना है यह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सर, यह छूट कब रहा है? कल सुबह 10 बजे। शंकर, उससे ऊपर आने दो। जैक। यस बॉस। शंकर ऊपर आ रहा है, उसे हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दो। ओके बॉस। अरे, ये तो पुतला है। वो कहां गया? तुम्हारे पीछे। जो करना चाहता है शेर का शिकार, और शिकार करने के लिए भेजता है कुत्तों के पिल्लों को, उन्हें अपने पास संभाल कर रख, ताकि तेरे मरने के बाद तेरी हड्डियां चबाने के काम आएंगे। आज तक दुनिया में वो तांत नहीं बने जो मेरी हड्डियों को चबा सके। बहुत ज्यादा शोर करने वाली आवाज मैं हमेशा के लिए खामोश कर देता हूं। हाथ में डुगडुगी पकड़ने से कोई बंदर मदारी नहीं बन जाता। पिस्तौल का घोड़ा दबाने के लिए शेर का कलेजा चाहिए, जो तुझ जैसे गद्दार के पास नहीं है। जो मेरा माल निकाल।
जो जो सिर्फ लेता है देता नहीं, और जब कभी किसी को कुछ देना होता है तो सिर्फ मौत। चला जा। शंकर ने जोजो का खून कर दिया? हाँ बॉस, बहुत बड़ा लोचा हो गया। ले इस वक्त शंकर कहाँ है? पुलिस के लॉकअप में, और उसको वहां से निकालना बहुत मुश्किल काम है। तुम फिक्र मत करो, शंकर को पुलिस की गिरफ्त से निकालना मेरा काम है। योर ऑनर, पुलिस ने जो सबूत और गवाह अदालत में पेश किए हैं उसकी रोशनी में सारा मुकदमा आईने की तरह साफ हो चुका है। शंकर एक सजायाफ्ता मुजरिम है जिसकी आदत है बार बार जुर्म करना। पैसे के लेनदेन पर मुजरिम शंकर का मकतूल जोजो के साथ झगड़ा हुआ, और उसी झगड़े के दौरान मुजरिम शंकर ने अपने रिवॉल्वर से बड़ी बेदर्दी के साथ जोजो का खून कर दिया। इसीलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे खतरनाक कातिल को सजाए मौत दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिराड, जैसा कि अदालत को मालूम है कि शंकर को खून करते किसी ने नहीं देखा, और पुलिस ने भी शंकर को उस वक्त गिरफ्तार किया जब होटल से बाहर निकल रहा था। हो सकता है खून पहले हो चुका हो और शंकर वहां बाद में पहुंचा हो। वो लाश को देखकर घबरा गया और होटल से बाहर निकला। लगता है मेरे फाजिल दोस्त हो सकता है का मतलब नहीं जानते। हो सकता है का मतलब होता है गैर यकीनी बात, जबकि अदालत को ठोस सबूत चाहिए। मेरे पास ठोस सबूत मौजूद है मिलॉर्ड, मैं अदालत के सामने एक गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? गवाह कौन है? डॉक्टर डिक्रूज। आप इस बाइबल पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कसम खाता हूं। आप मुलजिम के बारे में क्या जानते हैं? योर ऑनर, मुलजिम शंकर मेरा 5 साल पुराना मरीज है। वो चोर जरूर है, लेकिन उसने जोजो का खून नहीं किया। ये आप कैसे कह सकते हैं? हाँ योर ऑनर, 24 जुलाई को शाम को ठीक 7 बजे शंकर मेरी डिस्पेंसरी में अपना इलाज करवाने आया। उसे सरदर्द की शिकायत थी। 7:10 पर वो मेरी डिस्पेंसरी से निकल गया। ठीक 3 मिनट बाद यानी 7:13 पर मुझे सामने वाली होटल से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। 5 मिनट बाद मुझे पता चला कि सामने वाले होटल में जो खून हुआ है उसके इल्जाम में पुलिस ने शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। मैं साबित कर सकता हूं शंकर बेगुनाह है। वो कैसे? वकील साहब, अगर कोई आदमी मेरी डिस्पेंसरी से दौड़ता हुआ भी सामने वाले होटल के कमरे तक पहुंचे जहां खून हो चुका था, तो उसे कम से कम 6 मिनट लगेंगे। जबकि शंकर के चले जाने के 3 मिनट के बाद जोजो का खून हो चुका था। अगर अदालत चाहे तो मेरी बात की सच्चाई की जांच कर सकती है। अदालत डॉक्टर डिक्रूज के बयान की जांच का हुक्म देती है। सुनिए, जब मैं स्टार्ट कहूं आपसे तब आप दौड़कर उस होटल तक जाएंगे, और 5वें माले की उस खिड़की पर जब आप पहुंचेंगे
वहां पहुंचकर आप मुझे इशारा करेंगे, तब मैं स्टाफ आज बंद कर दूंगा, समझे आप? नाउ स्टार्ट। एग्जैक्ट 6 मिनट लगे। डॉक्टर डिक्रूज, आपका ये बयान तो सही निकला कि आपकी डिस्पेंसरी से होटल के कमरे तक 6 मिनट लगते हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने अपने बयान में कहा था कि शंकर आपकी डिस्पेंसरी से 7:10 पर निकला, राइट? राइट। फिर आपने कहा कि 7:13 पर आपने गुल चलने की आवाज सुनी। फिर आपने कहा कि ठीक 5 मिनट बाद यानी कि 7:18 पर आपको खबर मिली कि शंकर को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि आप हमेशा घड़ी ही देखते रहते हैं और कोई काम नहीं करते। मैं सिर्फ काम ही करता हूं वकील साहब, घड़ी देखने का वक्त मेरे पास नहीं है। तब तो ऐसा भी हो सकता है कि शंकर आपकी डिस्पेंसरी से 7:10 पर निकलने के बजाय 7:04 या 7:05 पर निकला हो और 6 मिनट में होटल के कमरे में पहुंचकर ठीक 7:13 पर उसने जोजो का खून कर दिया हो। बिल्कुल नहीं वकील साहब, मैं बिना घड़ी देखे बिल्कुल सही वक्त बता सकता हूं। ये जो मेरी दिमागी घड़ी है ना, वो कंप्यूटर से भी ज्यादा सही वक्त बता सकती है, इसीलिए तो मैं कभी घड़ी नहीं पहनता। देखो तो मैं अदालत से इजाजत चाहूंगा कि डॉक्टर डिक्रूज की दिमागी घड़ी की जांच की जाए। इजाजत है तो सबसे पहले ये दिमागी घड़ी यहां से हटा ली जाए। मिलॉर्ड, आप इस स्टॉप वॉच का बटन दबाकर स्टार्ट बोलेंगे। थोड़ी देर बाद जब मैं अपना हाथ ऊपर उठाऊंगा तो घड़ी बंद कर देंगे। घड़ी के ऑन ऑफ करने के बीच कितना वक्त बीता है ये डॉक्टर डिक्रूज अपनी दिमागी घड़ी से बताएंगे, क्यों डॉक्टर साहब? श्योर। मिलॉर्ड, आप घड़ी स्टार्ट करिए, मैं तैयार हूं। स्टार्ट। हाँ तो डॉक्टर डिक्रूज, आपकी दिमागी घड़ी क्या बोलती है? एक मिनट। और 47 सेकंड। ओह माय गुडनेस, डॉक्टर डिक्रूज की गवाही से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जोजो का खून मुलजिम शंकर ने नहीं किया, बल्कि शंकर के पहुंचने से पहले जोजो का खून हो चुका था। लिहाजा यह अदालत शंकर को बाइज्जत बरी करती है। चीयर्स। चीयर्स। एक बात पूछूं डॉक्टर डिक्रूज? हाँ जरूर जरूर। लगते तो हो तुम अपने बिरादरी के, लेकिन कोई शरीफ आदमी किसी चोर की मदद नहीं करता। बहुत समझदार हो। समझदार तो हूं, लेकिन तुम्हारी उस चाल को नहीं समझ सका जिसका नमूना तुमने कोर्ट में पेश किया था। वेरी सिंपल, मैं एक डॉक्टर हूं और मेरी नब्ज 1 मिनट में 60 बार धड़कती है। इस हिसाब से 1 मिनट 47 सेकंड में मेरी नब्ज कितनी बार धड़केगी? 107 बार। बस तो मैंने अदालत में अपनी नब्ज पर हाथ रखकर 107 बार उसकी धड़कनें गिनी थी। आप सचमुच मास्टर ब्रेन हो। अब जरा मतलब की बात पर आइए। मतलब की बात यह कि जोजो के मौत के बाद लूट का सारा माल पुलिस जब्त कर चुकी है,
और तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मालामाल कर सकता हूं। वो कैसे? एक करोड़पति की बेटी है, नाम है उसका नीता। पहले तुम उसे अपने प्यार में फंसाओगे, बाद में उसे शादी करोगे और फिर उसे इस तरह खत्म करोगे कि उसकी मौत एक हादसा लगे। उसके बाद उसकी जो जायदाद तुम्हें मिलेगी वो तुम मेरे हवाले कर दोगे। वाह डॉक्टर साहब वाह, लड़की को मैं फंसाऊं, शादी मैं करूं और लड़की को मारू भी मैं और सारी जायदाद आपके हवाले कर दूं, ये नामुमकिन है। इस सौदे में तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जिस मुकदमे से मैं तुम्हें बचा सकता हूं उसी मुकदमे में मैं तुम्हें अटका भी सकता हूं सिर्फ एक हल्फिया बयान देकर। डॉक्टर साहब रात दिन कानून से आंख में चोली खेलते खेलते थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूं। अगर तुमने पहला बयान बदल कर दूसरा बयान दिया तो तुम भी फंस जाओगे और फिर अगर मुझे फांसी हो भी गई तो तुम्हें 7 साल के लिए जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। वाह वेरी स्मार्ट वेरी स्मार्ट। तो चलो आधी आधी सजा दोनों ही काट लेते हैं। अब आए हो ना रास्ते पर। हाँ हाँ तो फिर आओ, आधी जायदाद के लिए इस पेपर पर साइन करो। डॉक्टर एक चोर से सौदा करते हो और उस पर भरोसा भी नहीं करते। शंकर शायद तुम वो कहावत भूल गए, भूख और गरीबी दोस्ती पैदा करती है लेकिन दौलत दुश्मनी पैदा करती है। जोजो का किस्सा तुम्हारे सामने है, करो साइन। क्या नाम बताया था लड़की का? नीता, जिसके सपनों का राजकुमार अब तुम्हें बनना है। ड्रीम बॉय गोरा ना काला हो, लड़का दिल वाला हो, मेरी मोहब्बत की धुन में मत वाला हो। ड्रीम बॉय गोरा ना काला हो, लड़का दिल वाला हो,
हमें से जो सबसे ज्यादा कड़की है वो रख ली है पर्स। हाँ, ठीक है। ऐसा करते हैं, एक बार फिर से रिंग फेंकते, जिसके गले में पड़ेगा वही रख लेगा ये पर्स। हाँ। नहीं नहीं, तुम रिंग मत फेंको, ये पर्स मैं ही रख लेती हूँ, किसी भिखारी को दे दूंगी। हाँ, हाँ, अच्छा समझ गया ना? समझ गया भिड़ू, समझ गया। आगे बोल। वो आ गई। क्या पटाखा है यार। चल तैयार हो जा। जाऊ? जा। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, वो देखिए। ए, ए चोर, अरे कोई पकड़ो। वो गुंडा आपका पर्स लेकर भागा? जी हाँ, मगर मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? मगर सुनिए तो। अरे आप चिंता मत करो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे बाप रे, बाप रे। अरे भागते भागते हाफ गए लो बाप में। हाँ चल चल, बस हो गया, अब जो मैंने बोला तो वो कर। अरे अभी फाड़ दो तेरे कपड़े। अभी अबे अबे, ये क्या कर रहा है, कपड़े क्यों फाड़ रहा है? समझ गया समझ गया, मार धार करने में हीरो के कपड़े मैले हो जाते। अभी कर दो, इले इले भिड़ू, थोड़ा ला, थोड़ा। चल चल चल, ठीक है। अब बोल, फॉर्मूला नंबर दो यूज कर। चल फॉर्मूला नंबर दो। अबे तूने इतना बड़ा घाव बना दिया, मैंने तुझे छोटा घाव बनाने के लिए कहा था। अरे भिड़ू, जितना बड़ा घाव होएगा ना उतने ही जल्दी छोकनी पटेगी पटेगी पटेगी। चल फार्मूला नंबर तीन यूज कर। ओ फार्मूला नंबर तीन, खून 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 खून। अब बोल, अब बोल, अब तो भाग जा। मैं भाग जाऊं? भाग तो। अबे पर्स दे के जा। अरे फोड़ डाला रे, मार डाला सारा, अंजर पंजर ढीला कर दिया। अरे साले, अरे मेरे बाप, अरे भाग तो, भाग तो मेरे बाप। अरे अरे माफ माफ कर दे बाप, अरे मेरे बाप, अरे बाप, अरे दीदी। भाग क्या साला। ये लो मैडम आपका पर्स। थैंक यू, मगर आप। अगर मगर छोड़िए, ये देखिए, उस गुंडे ने मुझ पर हमला किया, देखिए देखिए। आपने तो बेकारी तकलीफ की। जी हाँ, मैं तो आपको रोक रही थी, मगर आपने सुना ही नहीं। टके की मुर्गी और 5 टके की पकवाई वाली बात हो गई। मेरे पर्स में सिर्फ 15 रुपए हैं। जी हाँ, ये तो मैं किसी जरूरतमंद भिखारी को देना चाहती थी। आपने बिला वजह उस भूखे नंगे जेब कतरे के पेट पे लात मारी। खैर अब आप ये 15 रुपए रख लीजिए,
किसी भिखारी को दे दीजिएगा, आपको 15 दुआएं देगा। ओके बाय। आज की तारीख में इस धरती पर मुझसे बड़ा दूसरा भिखारी कोई हो ही नहीं सकता। चलो मान लिया कि तू उसके प्यार में नहीं पड़ी, हो सकता है कि वो तेरे प्यार में पड़ गया हो। तो अब मुझे क्या पता, इस बात को पता लगाने का बस एक ही रास्ता है। वो क्या रास्ता है? फूलपुर के डाक बंगले पर एक ज्योतिषी आया हुआ है। अरे वो नीता तो नीता, उसके बच्चों का भी हाल बिल्कुल ठीक ठाक बता रहे। बुलशिट, ये सब ज्योतिषी पाखंडी होते हैं। अरे नहीं नीता नहीं, मेरी बात का विश्वास कर, उसने मेरे बारे में सब सच कहा है। क्या कहा है? यही कि मेरी शादी एक फिल्म एक्टर से होने वाली है। अरे यार फेकम फाक में एक दो बातें सही बोल दी होंगी। अगर उसका तमाशा देखना चाहती हो तो मुझे अभी इसी वक्त उसके पास ले चलो। अच्छा, मैं एक सेकंड में उस बहरुपे का भांडा फोड़ दूंगी। अच्छा तो फिर ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यही है वो? हाँ यही है। जी हाँ, मेरा नाम पंडित मलैया और मेरा गांव झुमरी तलैया। हाय दैया, मैंने सुना है पंडित मलैया उर्फ झुमरी तलैया बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं। मैं इनको जरा अपना हाथ दिखाना चाहती हूँ। दिखाइए दिखाइए, अवश्य दिखाइए बालिके। देवी, ये तुम्हारा दाया हाथ है या बाया? दाया। इसे अपने पास रखिए, बाया हाथ दिखाइए। सुंदर, अति सुंदर। आप हाथ की लकीरें देख रहे हैं या हाथ सहला रहे हैं? हाँ बालिके, हमारे गुरुदेव जितना तुम्हारा हाथ सहलाएंगे उतनी ही तुम्हारी भाग्य की रेखा उन्हें स्पष्ट दिखाई देगी। तो आप भी ज्योतिषी हैं? आपने ठीक पहचाना बारी के, गुरुदेव तो दिन में सिर्फ एक हाथ देखते हैं, बाकी के हाथ तो मैं देखता हूँ। क्यों गुरुदेव? देवी, क्या तुम्हारी सहेलियां भी हाथ दिखाने आई हैं? जी हाँ, दिखाएंगे। अगर आपको ऐतराज ना होता। अरे गुरुदेव को क्या ऐतराज हो सकता है? अब बालिकाओं तुम हमारे अंदर वाले कमरे में आओ। अच्छा, चलो चलो जल्दी जल्दी आओ। सुंदर, अति सुंदर बालिके, तुम गुरुदेव को अपना हाथ दिखाओ। क्यों पंडित मलैया? चलिए ना भैया। बालिके, हम न किसी के भैया न किसी के सैया, चलिए हम तो है साधु गोसैया, साधु गोसैया। अच्छा पंडित मलैया, एक बात तो बताओ, एक दिन में कितने लोगों को टोपी पहनाते हो? क्या मतलब? मतलब ये कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा, सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाते शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम हमारे ज्ञान का अपमान कर रही हो। तुम शायद नहीं जानती हम अंतर्यामी हैं। क्या ये झूठ है? तुम्हारे पिता का तुम्हारे सर के ऊपर साया नहीं है? और तुम्हारे पिता दिल का दौरा पड़ने से मर गए थे? क्या ये भी झूठ है? तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी की थी? बस करिए पंडित जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जाओ कर दिए क्षमा। क्या आप अपना हाथ मुझे दिखाएंगी? जी ये लीजिए। अति सुंदर, आप जरूर प्रेम विवाह करोगी। लेकिन मेरा शादी करने का भी कोई इरादा नहीं है। अगर तुम्हारा इरादा नहीं है तो हो जाएगा, भला सितारों की उलटफेर को कौन रोक सकता है? और फिर ये जोड़ा भगवान का बनाया हुआ है, कल सवेरे सूरज के किरण के साथ ही तुम्हारे कदम खुद ब खुद अपने प्रेमी के तरफ निकलेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 कदम पूरे हो गए दक्षिण की ओर। फिर उसने कहा था 5 कदम पश्चिम की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बताएं, आपके इन 15 रुपयों ने तो परेशान कर रखा है। इंतजार कर रहा हूं कोई ऐसे भिखारी का जिसे आपके 15 रुपए भीख में दे सकूं। लेकिन आप यहाँ कैसे? जी मुझे यहाँ एक ज्योतिषी ने भेजा था और बोला था कि आपको। क्या बताया था ज्योतिषी ने? उसने जो बताया था वो आप नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकता? जो उसने बताया था। क्या बताया था? उसने बताया था कि मेरा होने वाला पति मुझे यहाँ मिलेगा।
तो क्या वो मिला? पर यहाँ तो आपके अलावा कोई है ही नहीं। इसका मतलब वो खुश नसीब मैं ही हूं, है ना? ये अंगूठी पंडित मलैया। हाय भैया। यू फ्रॉड, मैं तुम्हारी असलियत समझ गई। पहले उस जेब कतरे से मेरा पर्स छिनवाया, बाद में जो अरे मरी गयो भी गयो क्लास डाला रे। क्या बात है बहन, बहुत बहुत घाई में है तुम क्या? नहीं नहीं, मेरे पीछे बदमाश लगा हुआ है। बदमाश लगा? बदमाश कहाँ है वो बदमाश? कहीं छुपा होगा। अरे तुम बताओ ना तो उसकी तो। लेकिन है बहुत हट्टा कट्टा। हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा। बहन को क्या है कि हमारे गुजराती लोग में ना मारा मारी का सिस्टम जरा कमती होता है। हाँ मुंहजोरी की बात करो उसमें हम लोग किंग होते हैं। मुंहजोरी में मुंहजोरी। एक आइडिया है। क्या? आप मेरे साथ प्यार का नाटक करो, वो देखकर जलेगा, मैं उसे जलाना चाहती हूँ। कैसे? आप मेरे साथ एक रोमांटिक गाना गाएंगे। रोमांटिक गाना? मैं आपके साथ रोमांटिक? नहीं नहीं, प्लीज गाना गाइए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं मैं प्लीज गाइए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, प्लीज गाइए ना। अच्छा चलो। पागल मन मेरा प्रेम दीवाना, पागल मन मेरा प्रेम दीवाना, प्रेम का बंधन तोड़ न जाना, प्रेम का बंधन तोड़ न जाना, पागल मन मेरा प्रेम दीवाना, पागल मन मेरा प्रेम दीवाना। अरे 88 में 44 का गाना गा के क्यों मेरा कचरा कर रहे हो? अरे जेटेज है जेटेज, कोई जैज या कोई डिस्को सुना? वो क्या होता है जी? बताती हूँ।
अजी, आपका गाना सुनते सुनते तो मैं अपना गाना भूल जाऊंगी। थोड़ी कोशिश तो कीजिए। देखिए, कोलर छोड़ो ने धोखेबाज, तू भी उस बदमाश से मिला हुआ है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बे, 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 मुझे माफ कर दो। वो क्या है कि वो शंकर भाई है ना, उसने मेरे को ऐसा करने को बोला था, और साथ में ये देखो, ये 500 रुपया भी दिया था। ये आप ही रखो, मैं जाता हूँ। लेकिन बहन, मजा आ गया, पैसा वसूल, पागल मन मेरा प्रेम दीवाना। ब्लडी फूल, मैं सच खाती हूँ। वो देखो, एक बदमाश मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कई दिनों से मुझे तंग कर रहा है। क्या आप लोग उस गुंडे को सबक सिखाकर मेरी मदद करेंगे प्लीज? क्यों नहीं मैडम, आप जैसी शरीफ लड़कियों की मदद करना तो अपन का फर्ज है, क्यों दोस्तों? हाँ क्यों नहीं, चल चल बैठो, चलो आओ। नीता तुम ये क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो, ये लोग अच्छे नहीं हैं। अरे तुमसे तो लाख दर्जे अच्छे हैं, तुम तो नाटकबाज, ढोंगी और धोखेबाज हो। चले पतली गली से बढ़ जा, वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। नीता मैं इस तरह छोड़कर तुम्हें नहीं जा सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। देखा कैसा नाटक कर रहा है, लगता है इस तरह से नहीं मानेगा। आओ मेरे साथ। अपन का नाम उस्मान भाई गाजर वाला है, चल बिड़ो कल्टी हो जाए यहां से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किस बात का मैडम, अपन ने आपका काम कर दिया है, कुछ इनाम तो मिलना चाहिए। क्यों नहीं, अपन को ये नहीं तुम चाहिए। यू छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो, नहीं नहीं शंकर मुझे बचा लो, ये लोग मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मुझसे ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी शंकर, प्लीज। शंकर मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। अरे ये छक्का तुम्हें क्या बचाएगा? क्यों Thank you.
शंकर मुझे माफ कर दो। शंकर मुझसे माफी क्यों मांगती हो? मैं तो नाटकबाज हूं ना, ढोंगी हूं। यह जो खून मैंने बहाया है यह भी नकली है। ठीक है, आज के बाद मैं कभी अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। शंकर प्लीज, शंकर रुक जाओ। शंकर तुम्हें मेरी कसम। नीता, सच कह रहा हूं नीता, अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो मैं जिंदा नहीं रह पाता। ऐसा मत कहो शंकर। नीता क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। आओ चले। शंकर तुम्हें पार्वती मिल गई है, मेरा मतलब है नीता, लेकिन उसके प्यार में पागल होकर पिता बनने की गलती मत करना, क्योंकि तुम्हें उसका पासपोर्ट निकालना है। जितना जल्दी निकाल सको उतना जल्दी निकालना, समझे? ओके। शंकर तेरे हाथ क्यों कांप रहे? क्योंकि उस लड़की के सच्चे प्यार ने तुझे झिझोड़ दिया है। तू उसे नहीं मार सकता क्योंकि तू नीता से प्यार करने लगा है। मैं नीता से प्यार नहीं करता, मैं उसे मारना चाहता हूं ताकि उसकी सारी जायदाद मुझे मिले, मुझे मिले। तू झूठ बोल रहा है शंकर, अपने आप को धोखा मत दे, अपनी आत्मा की आवाज को सुन। मैं तेरी आत्मा हूं, तू चला जा, तू चला जा यहां से। शंकर तू एक अच्छा इंसान है, तू किसी का खून नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं चोर हूं, चोर हूं। चोर तुझे हालात ने बनाया, वरना तेरा जन्म एक अच्छे खानदान में हुआ था। चले जाओ यहां से, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चले जाओ यहां से, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। वाह, काम तो शंकर ने बिल्कुल पूरा कर दिया। लेकिन है वो अनाड़ी, पूरा शक उसी पे जाएगा। शक नहीं, यकीन। जब ये फोटो पुलिस को मिलेगी तो केस आईने की तरह साफ हो जाएगा कि एक चोर पति ने करोड़ों की जायदाद हासिल करने के लिए अपनी पत्नी को मार डाला। उसे फांसी हो जाएगी और फिर सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। या मेरी नहीं, तुम्हारी। मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ। ये क्या बोलती है? तुम तो मेरी जान हो जान, और फिर हम उन मोहरों को सीने से लगा कर रखते हैं जो कभी पीटते नहीं। शंकर, 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 अरे इतनी जल्दी जल्दी मत उतरो, गिर पड़ोगे। तुम्हारे सिर का दर्द कैसा है? ठीक है। चलो जरा ऊपर चलो, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ऊपर
ऊपर क्यों? नीचे बैठते ना, पता नहीं आज ऊपर कुछ घुटन सी महसूस हो रही है। आओ। ये लो चेकबुक, मैंने सारे चेक ब्लैंक साइन कर दिए हैं। और ये रही पासबुक। और ये रहे अथॉरिटी लेटर्स। ये सब कुछ क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। आज के बाद मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्यों? जब मेरे दिल और मेरी जिंदगी के मालिक तुम बन चुके हो, तो मेरी प्रॉपर्टी का मालिक बनना भी तुम्हें ही शोभा देता है। मैं चाहती हूं ये सारा बिजनेस तुम संभालो। क्या हुआ? कुछ नहीं। लगता है तुम्हें यहां भी घुटन महसूस हो रही है। चलो कहीं बाहर घूमने चलते, मैं अभी कपड़े बदल कर आई। नीता, नीता, हाँ? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, अचानक सर में फिर से तेज दर्द शुरू हुआ था। कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं, तुम इन्हीं कपड़ों में अच्छी लग रही हो। चलो चलो। क्या सोच रहे हो? नीता एक बात बताओ, कितना प्यार करती हो मुझसे? तुमने आसमान का अंत देखा है? आसमान का कोई अंत नहीं होता। बस मेरे प्यार का भी कोई अंत नहीं है। इतना प्यार करती हूं मुझसे? अगर किसी दिन मेरी नीयत खराब हो जाए और तुम्हें मारकर सारी दौलत पे मैं कब्जा कर लूं तो? तुम ऐसा करोगे नहीं। फिर भी किसी दिन अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं खुद अपनी गर्दन तुम्हारे हाथों में दे दूंगी। नीता, संग संग
का नगीना। नहीं मार सकते, लेकिन क्यों? क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है, मुझ पर भरोसा करती है। उसने अपने जीवन नैया की पतवार मेरे हाथ में दी है, मैं उसे डूबने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला क्यों न करना पड़े। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब करोड़ों की दौलत मिल रही हो तब बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला किया ही जा सकता है। दौलत के लिए नहीं, मोहब्बत के लिए। मोहब्बत की आड़ मत लो, साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नियत खराब हो गई है। हमें मालूम था कि तुम ऐसे ही करने वाले हो, इसलिए हमने 50% का एग्रीमेंट पहले ही करवा लिया था। और फिर हमारी रिवॉल्वर में एक ऐसी भी गोली है जो ऐसे मौके पर काम आती है। और यह है वो गोली। अब हमारी तरफ देखने के बजाय इस फोटो की तरफ देखो, यह है लाश तुम्हारी बीवी नीता के बहन की। हाँ, बहन की। और यह है आप, आपके हाथ में है चाकू। और नीता अपने बहन के कातिल को पकड़ने के लिए, सजा दिलवाने के लिए तड़प रही है। जब तुम्हारी बीवी नीता यह फोटो देखेगी तो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी, सोच लो। लड़ाओ, थोड़ा लड़ाओ। हा? मुझे इस बात की चिंता नहीं कि नीता मेरे साथ क्या सुलूक करेगी, चिंता तो इस बात की है अगर मैं उसके जिंदगी से चला गया तो ये कमीना उसे मार डालेगा। मुझे हर हालत में नीता को बचाना होगा। सोच लिया? लड़ाया थोड़ा दिमाग। मैं तो मजाक कर रहा था डॉक्टर। डॉक्टर डिक्रूज को मजाक पसंद नहीं, आइंदा ऐसा मजाक नहीं करना, समझे? और जल्दी उसका पासपोर्ट बनना चाहिए। प्लान मैं बताता हूं। अरे आप लोग आ गए, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ खास नहीं, मामूली सी सर्दी। पता नहीं कैसी दवा थी, सर्दी पहले से ज्यादा बढ़ गई। देखो 20वीं सदी में इलाज करने का यही तरीका होता है, जब वो पहली खुराक देता है
तो मर्ज और बढ़ जाता है, और जब वो दूसरी खुराक देता है तो फायदा जरूर होता है। अरे हाँ, आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए गर्म गर्म कॉफी बना कर लाता हूँ। बेटा तुम नीता के साथ बातें करो, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। आप दोनों की तकलीफ कर रहे हैं, भोला और शक्को किधर है? मैंने आज उन दोनों को छुट्टी दे दी। क्यों? वो दोनों घूमना चाहते थे। फिर आप दोनों बैठिए, मैं कॉफी बना कर लाती। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं भी आई। हाँ भी खराब होना था। शंकर, नीता, अब क्या हुआ? गैस लाइटर खराब हो गया। खराब हो गया? हाँ। ये लाइटर ले जाओ। थैंक यू। शंकर, तुम्हारा लाइटर भी खराब है, लगता है आज किस्मत में चाय नहीं। 10 पैसे की पत्थर की वजह से नीता की 10 करोड़ की जायदाद हमारे हाथ से आते आते निकल गई। तुमने उस गैस लाइटर के पत्थर को पहले क्यों नहीं चेक किया? शंकर, अब की बार ऐसे नहीं होगा। इस बार मैं अपने प्लान के हर पहलू को पूरी तरह से चेक करूंगा। डॉक्टर डिक्रूज, कल रात 12 बजे से पहले नीता का राम नाम सत हो जाएगा। जैसे उसका राम नाम सत हो जाए, मुझे फोन पर सिर्फ इतना ही कह देना, पासपोर्ट बन गया। ओके डॉक्टर। तुम नीता का पासपोर्ट बनाओ, मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनाता हूं। कितनी देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे रे रे, ये क्या कर रही हो? आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है ना। कहां तुम इन सब फालतू चक्करों में पड़ी हो? तुम क्या जानो करवा चौथ क्या होता है? मैं इन ढकोसलों को नहीं मानता। ऐसा नहीं कहते, आज ही के दिन तो पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। मेरे पति की उम्र चांद सितारों की उम्र से भी लंबी हो, मेरी मांग में हमेशा सिंदूर चमकता रहे, और जब मैं मरूं तो मेरा पति ही मेरी चिता को आग लगाए। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था? पता नहीं किसका फोन था, मेरी आवाज सुनते ही कट कर दिया। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, चलो सो जाओ। लगता है मेरा फोन है। हेलो, कौन? तुम्हारा बाप। नीता का पासपोर्ट अभी तक बना क्यों नहीं? रॉन्ग नंबर। लगता है हमारे प्यार से कोई जलता है, इसीलिए हमें बार बार तंग कर रहा है। चलो उतरो। आया, आजा। देखा शंकर, मैं जब चाहूं तुम्हारे जिंदगी के कोरे कागज को मौत की स्याही से काला कर सकता हूं, समझे? हाँ डॉक्टर, तुम सचमुच किसी यमराज से कम नहीं हो, लेकिन मैं भी तुम्हारा बाप हूं।
देख लिया डॉक्टर, ये तुम्हारे मौत के फरिश्ते बहुत गरज रहे थे ना, लेकिन बरस नहीं सके। नहीं बरसे वो इत्तफाक है शंकर, लेकिन तुम्हें इस बात का पता नहीं, जो लोग मुझसे गद्दारी करते हैं उन्हें मैं फटे जूतों की तरह उतार कर फेंक देता हूं, समझे? और तुम्हें शायद पता होगा डॉक्टर, जो लोग मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करते हैं मैं उनकी जबान हमेशा के लिए बंद कर देता हूं। और हां, कान खोलकर सुन लो, नीता अब कभी नहीं मरेगी। अगर किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा, समझे? किसी ने सच ही कहा है, कुत्ते को देशी घी हजम नहीं होता इसलिए वो उल्टियां करने लगता है। बनाऊंगा पासपोर्ट, इसका भी बनाऊंगा। है क्या? ये नेगेटिव ले जाओ। यस बॉस। इसमें शंकर और अनीता के फोटोग्राफ हैं, उसको प्रिंट करो और शिवाजी पार्क के बेंच नंबर 2 के नीचे रख दो। हेलो। आप मिस नीता ही बोल रही है ना, सेठ भतीजा की बेटी? जी हाँ, लेकिन आप कौन? आपका एक शुभचिंतक। क्या आप उस आदमी का नाम जानना चाहोगी जिसने आपके बहन की इज्जत और जिंदगी दोनों भी लूट ली, सेठ भतीजा का कत्ल भी किया और आपको भी मारना चाहता है? कौन है वो? तुम्हारा पति शंकर। आपके पास क्या सबूत है? सबूत? उसकी कुछ तस्वीरें आज शाम को 4 बजे शिवाजी पार्क के बेंच नंबर 2 के नीचे से उठा लेना। लेकिन आपका नाम? हेलो हेलो, नीता कहां चली गई थी तुम? क्यों घबरा गए थे? शिकार हाथ से निकल गया। ये तुम क्या कह रही हो नीता? खबरदार, अपनी नापाक जबान से मेरा नाम मत लो। मुझे अफसोस होता है अपनी तकदीर पर, जिन पैरों ने मेरी बहन की इज्जत के आंचल को रौंदा, उसे मौत की नींद सुलाया, उन पैरों की धूल मैं अपने माथे पर लगाती रही। जिन हाथों ने मेरे बाप को मार डाला, उन हाथों को मैं चूमती रही। मेरे खानदान का खून तुमने मेरी मांग में भर दिया, उसे माथे का सिंदूर समझकर फक्र महसूस करती रही, और तुम? ये सब झूठ है नीता। ये सच है और उसकी गवाह है ये तस्वीरें। पहचान सकते हो तो पहचान लो अपने जलील चेहरे को। ये तस्वीरें मेरी जरूर है, लेकिन ना ही मैंने खून किया और ना ही बलात्कार। मैं तो मत दो अपनी झूठी सफाई। मैं सफाई नहीं दे रहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया। इस बात का फैसला अदालत करेगी, मैं पुलिस साथ लेकर आई हूँ। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। रुक जाओ इंस्पेक्टर, वरना मैं नीता को गोली मार दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। नीता मैं जा रहा हूं, अब तभी वापस आऊंगा जब अपने बेगुनाही के सबूत इकट्ठा कर लूंगा। शंकर, दरवाजा खोलो शंकर, शंकर। चलो पीछे के रास्ते से। हेलो, डॉक्टर डिक्रूज हियर। कौन? अरुण गुप्ता। अरुण, तुम जिंदा हो? तुमने जो पासपोर्ट बनाया था उस पर ऊपर वाले ने मोहर नहीं लगाई थी। बाबूलाल तुम गद्दार निकले, लेकिन मैं आज भी तुम्हारा वफादार हूं। मतलब शंकर और अनिता के फोटोग्राफ्स मैंने शिवाजी पार्क की बेंच नंबर 2 के नीचे रख दिए हैं, लेकिन हाँ,
जिन फोटोग्राफ्स में तुम अनीता का रेप कर रहे हो वो अभी मेरे पास है, और तुम्हारा चमचा जॉन भी। बात करो अपने चमचे से, बात करो। बॉस मेरे को बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में बॉस। क्या चाहते हो? 10 लाख रुपया, 5 लाख तुम्हारे फोटोग्राफ्स की कीमत, और 5 लाख मेरे हाथ का मुआवजा। पैसे कहां भेजने हैं और कब? इसी वक्त मंकी पॉइंट पर। ओके। कौन थे ये लोग? बाबूलाल के आदमी थे जो आजकल डॉक्टर डिक्रोस बना हुआ है। बाबूलाल? हाँ, वही बाबूलाल जिसने नीता की बहन पर बलात्कार किया था, उसको खुदकुशी करने पर मजबूर किया था, और उसी के कहने पर मैंने खंजर निकालते वक्त तुम्हारी तस्वीर खींची थी, लेकिन उसने मुझसे भी गद्दारी की। अनीता की तस्वीरें हैं बलात्कार के वक्त की। हो तो तुम मेरे दुश्मन, लेकिन आज फरिश्ते बनकर टकराए हो। अनीता के खून और बलात्कार का इल्जाम मुझ पर ही है। ये तस्वीरें मेरी बेगुनाही का सबूत है। तो चलो चलो, ये सबूत लेकर मैं तुम्हारी बीवी के पास चलता हूं। हाँ चलो शंकर, चलो। क्या शंकर ने अरुण की जान बचाई? यस बॉस। इसका मतलब है अरुण वो फोटोग्राफ जरूर शंकर को देगा, और शंकर वो फोटोग्राफ लेकर नीता तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नीता बेटी, डॉक्टर साहब का फोन आया था कि शंकर के सर पे खून सवार है, वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। क्या? हाँ बेटी, ऐसे आदमी का क्या भरोसा? मम्मी, ये सारा झगड़ा वसीयत का ही है ना? मैं वसीयत ही बदल दूंगी, सब कुछ आपके नाम कर दूंगी। मुझे नहीं चाहिए दौलत। बेटी, ये वक्त इन बातों का नहीं है, जो भी करना है बाद में कर लेना। इस वक्त अपनी जान बचाने की सोचो, जल्दी से यहां से निकल चलो, डॉक्टर साहब हमें कोई भी सेफ जगह पे पहुंचा देंगे। चलिए मम्मी। चलो बेटा। नीता, नीता। साहब आप? शकु नीता कहाँ है? डॉक्टर साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा कि आप नीता मेम साहब की जान लेना चाहते हैं, इसलिए बीबी जी नीता मेम साहब को लेकर चली गई। वो कहाँ गई मैं नहीं जानती। अब क्या होगा? शंकर, शंकर जल्दी चलो, नीता की जान खतरे में है। वो नीता की माँ नहीं बल्कि बाबूलाल के हाथ का एक मोहरा है। चलो चलो। नहीं बेटी नहीं, आज अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो कल लोग मुझ पे थूकेंगे,
कहेंगे यही वो डाइन माँ है जिसने अपनी बेटी का बहुत छीन लिया है। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। लेकिन नीता, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं डॉक्टर साहब, जिस जायदाद की वजह से मेरी बहन की इज्जत लूटी गई, उसकी जान गई, और वही मेरे पिताजी की मौत का कारण बनी। उसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जायदाद, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि वो मेरे दुश्मनों को मिले। इसलिए प्लीज मम्मी, आप मना मत कीजिएगा। ठीक है, आप यही चाहती है तो वही होगा। मिसेज भतेजा, आप अपनी बेटी का दिल मत तोड़िए। हाँ, लीजिए, साइन कीजिए। डॉक्टर साहब, रिफिल खत्म हो गई। मैं अभी ही लेकर आता हूं। जी। रुक जाओ नीता, इस पेपर पर साइन मत करना। ये डॉक्टर ही खूनी बदमाश है, यही तुम्हारे बहन का कातिल है, और ये औरत ये भी इससे मिली हुई है। बंद करो अपनी गंदी जुबान और निकल जाओ यहां से। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है नीता। जो तुम मुझे समझ रही हो मैं नहीं, ये कमीना है। ये फोटोज डॉक्टर उर्फ बाबूलाल के कहने पर मैंने ही खींचे थे, क्योंकि ये इन फोटोज के जरिए तुम्हारी बहन अनीता और डैडी को ब्लैकमेल करके तुम्हारी पूरी जायदाद को हासिल करना चाहता था। लेकिन अनीता ने आत्महत्या करके इसके सारे सपनों पे पानी फेर दिया। शंकर भैया तो वहां चोरी करने के इरादे आए थे, ये अनीता की जान बचाने के खातिर उसके पेट से चाकू निकालने लगे, तो इसके कहने पर मैंने वो फोटोग्राफ्स खींचे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया बोल, क्यों किया, क्यों किया? बस करो नीता, इससे सजा कानून देगा। चलो अरुण, तुम पहले वो आदमी हो जिसका मैं दोबारा पासपोर्ट निकाल रहा हूं। जल्दी से कागज पर साइन कर दो, वरना तुम्हारे ये लंबे चौड़े पतिदेव के पासपोर्ट पर मैं साइन कर दूंगा। नहीं नीता, नीता तुम साइन मत करना। मेरी परवाह मत करो नीता, मेरी परवाह मत करो। नीता, तुम इस कागज पर साइन करो, वरना मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा। एक, दो, और ये। रुक जाओ, मैं साइन करती हूं। करो करो। ये तुम क्या कर रही हो नीता? नहीं चाहिए ऐसी जायदाद जो मेरी मां का सिंदूर उजाड़ दे। वेल डन, बांध दो इसको। मुबारक डाली।
हम जीत गए। हम नहीं, सिर्फ मैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं अपने धंधे में कोई पार्टनर नहीं रखता। याद है तुम्हें, इस ब्लैंक पेपर पर मैं पहले ही तुम्हारे साइन ले चुका हूं। तो अब इस पर मैं तुम्हारी वसीयत लिखूंगा कि तुम्हारे मौत के बाद तुम्हारी सारी जायदाद का हकदार मैं, सिर्फ मैं, डॉक्टर डिक्रूज और बाबूलाल। तुम्हारा पासपोर्ट तैयार है? नहीं। जाओ अपने पति सेठ भतीजा के पास, जिन्हें मैं पहले ही भेज चुका हूं। जाओ। दे दो, जी भर के गालियां दे दो। वैसे मैं दिल का उतना बुरा नहीं हूं जितना तुम समझ रही हो। मुझे अब भी हमदर्दी है तुम्हारे साथ, इसलिए तो तुम्हें तुम्हारे डैडी से मिलने भेज रहा हूं। वैसे ये काम मैंने तुम्हारे पतिदेव को सौंपा था, लेकिन साला नालायक निकला, बड़ा नालायक है। कोई बात नहीं, अब ये भी अपने ससुर से मिल लेगा। पहली पहली मुलाकात होगी, बड़ा मजा आएगा। क्यों? ये देखो, दोनों के पासपोर्ट तैयार है। हैंड्स अप। पासपोर्ट के लिए वीजे की जरूरत होती है और वो वीजा मेरे पास है।
वेरी गुड शंकर, वेरी गुड। अभी तक बचे हो, लेकिन अब नहीं बचोगे। बहुत मार धाड़ कर ली है तुमने। वो तो तुमने शुरू की है, मैं तो खत्म करने आया। जरा ऊपर देखो, ऊपर तुम्हारे स्वागत का क्या इंतजाम किया है हमने। देखो देखो, साला कमीने, वो तो मर गया, अब तुम्हारा जिंदा रहना भी बेकार है। हो गई है, अब बाजी मेरे हाथ में है। शंकर, दोनों के पासपोर्ट निकालता हूं। मार डाली से, छोड़ना नहीं।
शंकर छोड़ दो इसे, ये कानून का मुजरिम है। इसी ने अपने हम शक्ल डॉक्टर डिक्रूज का खून किया है और खुद डॉक्टर डिक्रूज बनकर सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा। हौलदार ले चलो इसे। थैंक यू। कलियां मिलेंगी कांटे मिलेंगे, फिर भी सनम हम संग संग चलेंगे। ओ कलियां मिलेंगी कांटे मिलेंगे, फिर भी सनम हम